अब जो हम लोग थर्ड क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो अब तक दो क्लासिफिकेशन हमने देखा, पहला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और तीसरे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक शब्द का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बेसिस पे एक डायग्राम जैसा हम बना रहे हैं। अब ये समझो, ये एक प्लांट या एनिमल है और अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में ये अलग अलग शेप के प्लांट में कन्वर्ट हो गया है ना। तो एनवायरमेंटल कंडीशन अलग अलग मिला और इसका शेप बदलता चला गया। अब इन पांचों प्लांट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो क्या पाएंगे इन पांचों में? अगर हम लोग अभी इसको देखेंगे तो कोई सिमिलरिटीज हम लोगों की मॉर्फोलॉजिकली नहीं मिल रही है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या था, सच्चाई क्या थी कि सभी के एंसेस्टर कॉमन थे, सभी एक कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुआ, लेकिन इवोल्यूशन में एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट हो जाने के चलते इनके मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आ गया। इसका मतलब रियल मानों में ये पांचों आपस में को रिलेटेड हैं, है कि नहीं है बच्चों? ये पांचों के एंसेस्टर क्या है, कॉमन है। तो अगर हम लोग नॉर्मल क्लासिफिकेशन की बात करें, इसको नहीं कंसीडर करेंगे, तो नॉर्मल क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इनको हम लोग अलग कर देंगे और कहेंगे पांचों पांच डिफरेंट तरह के प्लांट हैं। लेकिन अगर हम लोग इसके ओरिजिन को ध्यान में रखते हुए, इवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, किस प्लांट से इसका ओरिजिन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, अगर वो कॉमन है तो कहेंगे दे डेवलप फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, यही ना कहेंगे हम लोग? और जब ये कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हो रहे होंगे तो ये सब में कोई ना कोई सिमिलरिटीज होगी, है ना। तो ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाएगा इसको कहेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो टर्म आया है ये ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि जेनेटिकली ये अपने पेरेंट के, जेनेटिकली ये अपने पेरेंट के कैरेक्टर को जरूर कैरी कर रहे होंगे। ये एक्स नाम का कैरेक्टर सब में पाया जा रहा है। एक कंसीडर करें, किसी एक कैरेक्टर को एक्स वाई जेड नाम दे दिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म, है ना। ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बना दिए हैं, इनके बीच में इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। और कई बार तो प्लांट्स में फॉसिल्स पाया जाता है ना, और उसी से पता चलता है। तो ये फॉसिल्स एलुसिडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में बहुत प्रकाश डालते हैं, है ना, एलुसिडेशन करते हैं, उन चीजों को बहुत डेवलप करके बताने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं किससे, तो फॉसिल्स से। तो कई बार फॉसिल्स का जो रिकॉर्ड होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये फॉसिल्स अल्टीमेटली किसमें हेल्प करते हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझाने में हेल्प करते हैं, जिसको हम लोग क्या कह देंगे, फाइलोजेनेटिक सिस्टम का मतलब यहां पे हो गया इवोल्यूशन को समझाने में फॉसिल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कई फॉसिल्स हम लोगों ने देखा होगा, आर्कियोप्टेरिस फॉसिल्स हमने देखा है ना, उसी तरह से डायनासोर के फॉसिल्स का पता चला। डायनासोर के फॉसिल्स से हमने एक पूरी कहानी बना दी, एक पूरा पिक्चर बन गया है ना, और वो जो पिक्चर बना उसका नाम था जुरासिक पार्क। यहां पे हमने क्या किया, हमने फॉसिल्स को एविडेंस माना, फॉसिल्स के बेसिस पे एक हाइपोथेटिकल प्लांट्स और एनिमल्स की कल्पना करने लगे। तो इसका मतलब वो जो फॉसिल्स होता है ना, वो एक एविडेंस होता है इवोल्यूशन का, एक बड़ा बहुत बड़ा एविडेंस होता है, उसी से करेक्ट करके हम लोग प्लांट के इवोल्यूशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सबसे इसमें तीन बहुत से साइंटिस्ट लोग अपना अपना व्यू दिए, इनमें एक साइंटिस्ट थे एंगलर एंड प्रेंटल, ये दो एक वर्ड है, दोनों साइंटिस्ट मिलके काम कर रहे थे। एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशन, इसीलिए एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम। दूसरा है हचिनसन, हचिनसन नामक साइंटिस्ट भी क्लासिफिकेशन किए, जिसमें उन्होंने इवोल्यूशन को कंसीडर किया, इसीलिए हचिनसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज वंस अगेन इट इज एग्जांपल ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये नाम पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, साइंटिस्ट के नाम पूछे जा सकते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन को किस कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। तीसरा तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तख्ताजान है ना, ये तख्ताजान नामक साइंटिस्ट थे, ये भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए। ये भी जो क्लासिफिकेशन दिए उसका बेसिस क्या था, उसका बेसिस था इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के बेसिस पे ये चीजों को समझा रहे थे तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो क्लासिफिकेशन था,
जिन क्लासिफिकेशन में जो भी साइंटिस्ट काम कर रहा हो, आज मेरा मन करे तुम्हारा मन करे कि हम कुछ प्लांट्स को क्लासिफाई करेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन में किसको कंसीडर करेंगे, उसके इवोल्यूशन को, सीक्वेंस को देखेंगे, कैसे इस प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ इसको देखेंगे। तो इवोल्यूशन के बेसिस पे अगर हम और आप भी कोई क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसको हम लोग नाम देंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन की तीन ब्रॉड कैटेगरीज को हमने देखा। पहला हमने देखा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा हमने देखा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और तीसरा देखा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले में हमने वन और फ्यू कैरेक्टर को कंसीडर किया और क्लासिफिकेशन किया। नेचुरली ये परफेक्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं रहा होगा, इसमें एरर आया। इससे बचने के लिए एक दूसरे सिस्टम को डेवलप किया गया जिसमें ऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को कंसीडर किया गया, और जब ऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को लेके क्लासिफिकेशन किया गया इसको कहा गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और अब एक और एडवांस क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करें, जहां पे हम लोगों ने इवोल्यूशन का सहारा लिया और इवोल्यूशन के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया, इसको कहा गया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इनमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्लासिफिकेशन किन पे बेस्ड है, इन क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उन साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, तो साइंटिस्ट का नाम पूछेगा और पूछेगा इनका क्लासिफिकेशन किस कैटेगरी में आता है। तो बच्चों एक छोटा ये चैप्टर था, यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं प्लांट किंगडम की। और अब हमारे पास प्लांट किंगडम में पढ़ने को है एल्गी, तो हम लोग अब शुरुआत करेंगे एल्गी से। एल्गी के बाद है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद टेडोफाइटा, टेडो के फाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद आएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में हमें सिर्फ लाइफ साइकिल देखना है, क्योंकि एंजियोस्पर्म को मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली हम लोग देख चुके हैं। तो प्लांट डायवर्सिटी में, प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म के सिर्फ लाइफ स्पैन को, लाइफ साइकिल को पढ़ा जाता है, अलग से पढ़ा जाता है इसको फिर अलग चैप्टर में। जैसे ही हम लोग कहते हैं एंजियोस्पर्म में मॉर्फोलॉजी, तो अब एंजियोस्पर्म के मॉर्फोलॉजी को अलग से पढ़े हम लोग, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म इसको अलग से पढ़े, तो सिर्फ लाइफ साइकिल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो हम लोग अब शुरुआत कर रहे हैं प्लांट किंगडम में, एल्गी से इसकी शुरुआत होगी, और ये पहला चैप्टर होगा एल्गी। और हम आपको एक ट्रेडिशनल ढंग से बिल्कुल हटके ये पोर्शन पढ़ाने जा रहे हैं एल्गी, है ना। अब तक हम लोगों का जो ट्रेंड था, जो हम लोग का पढ़ाई का तरीका था, उससे आप जब ये मेरे एम लर्निंग के क्लासेस को देख रहे होंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि हम लोग एक थोड़े से डिफरेंट क्लास में और डिफरेंट ढंग से चीजों को पढ़ रहे हैं, और शायद अब रटने की जरूरत नहीं पड़ रही है। फिर ऐसे ही चीजों के साथ फिर हम लोग आए हैं प्लांट डायवर्सिटी में। इसको प्लांट डायवर्सिटी या प्लांट किंगडम भी कहते हैं। प्लांट किंगडम का पहला टॉपिक होता है एल्गी। तो एल्गी में कुछ नई बातें, टर्म एल्गी ये कैरलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, टर्म एल्गी वॉज गिवन बाय कैरलस लिनियस, है ना। अब आते हैं एल्गी को जब स्टडी किया जाने लगा तो इसके स्टडी को फाइकोलॉजी का नाम दिया गया, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको पहले हम लोग समझा रहे हैं। फादर ऑफ फाइकोलॉजी में फ्रिच नामक साइंटिस्ट थे, इनको हम लोग फादर ऑफ फ्रिच को बोला गया, फादर ऑफ एल्गी और फाइकोलॉजी। लेकिन इंडियन फादर एनर साहब थे, है ना, एनगर साहब जो थे इनको हम लोग बोले इंडियन फादर। अब हम लोग आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे शुरुआत करते हैं। एल्गी कहां मिलता है, मोस्टली एल्गी आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, पानी में मिलता है, वाटर का कंटेंट होता है। शुरुआत में क्या हुई होगी, तो जब पृथ्वी का इवोल्यूशन हो रहा था तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं बिग बैंग साउंड, एक बड़ा सा साउंड हुआ और एक बड़ा सा टुकड़ा नीचे आया, और ये जब आया ये जिसको हम लोग अब अर्थ कहते हैं, ये एक निबुला था, हॉट बॉल था। धीरे धीरे इसमें वाटर का जो कंटेंट था वो बॉइलिंग वाटर था, धीरे धीरे ये कूल होना शुरू हुआ, और कई सौ सालों के बाद जब ये कूल हुआ तो पानी में सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ एल्गी का। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्टली दे आर एक्वेटिक। और जब हम लोग वाटर की बात करने लगे तो कहने लगे देर आर टू टाइप ऑफ वाटर, दो तरह का पानी होगा, एक को कहेंगे फ्रेश वाटर, दूसरे को कहेंगे मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर में सॉल्ट का कंटेंट कम होता है, मैराइन वाटर में समुद्र में, समुद्र के पानी में वाटर में मिनरल्स का और हम लोग कहते हैं सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही दो पार्ट में हम लोग इसको देख रहे थे। तो ये दोनों ही जगह पे फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और मैराइन वाटर में भी पाया जाता है।